दोस्तों, अगर सभी रंग इंद्रधनुष में हैं, तो गुलाबी कहाँ है? क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाबी असली रंग नहीं है, यह एक मानव निर्मित रंग है। इंद्रधनुष प्रकृति के रमणीय नजारे हैं, जिन्हें देखा जा सकता है जब हमारे पास एक ही समय में बारिश और सूरज होता है। इंद्रधनुष को कई वर्षों से कलाकारों और व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है। सभी अलग अलग प्रतीकों या अर्थों के साथ, लेकिन क्या आपने देखा है कि हम इंद्रधनुष में गुलाबी रंग नहीं देख सकते? लेकिन क्या इंद्रधनुष में कई गुलाबी है? क्या प्रकृति की इस खूबसूरत अदा में हम जो भी रंग देखते हैं, क्या वह मौजूद है? इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि इंद्रधनुष में गुलाबी मौजूद है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या इंद्रधनुष में वास्तव में गुलाबी रंग होता है? प्रकृति द्वारा बनाए गए इंद्रधनुष में गुलाबी रंग नहीं होता। आपने इंद्रधनुष में गुलाबी रंग के चित्र देखे होंगे, लेकिन यह सब काल्पनिक है। इसी क्रम में इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट होता है। सीधे शब्दों में कहे तो गुलाबी इंद्रधनुष में नहीं है, क्योंकि बैंगनी और लाल विपरीत छोर पर है। गुलाबी रंग लाल और बैंगनी को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए गुलाबी मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि लाल और बैंगनी इंद्रधनुष के भीतर नहीं मिलते हैं। हालांकि यह एक सरल व्याख्या है, हम कुछ रंगों को क्यों देखते हैं, इसके पीछे बहुत विज्ञान है। इंद्रधनुष में गुलाबी नहीं होता। हम जानते हैं कि गुलाबी लाल और बैंगनी से बना है, और क्योंकि वे इंद्रधनुष के विपरीत किनारों पर है और कभी नहीं मिलते हैं, गुलाबी कभी नहीं देखा जाता है। इंद्रधनुष तब बनता है जब एक ही समय में एक ही स्थान पर सूर्य और वर्षा होती है, लेकिन यह तभी दिखाई देता है जब सूर्य आपके पीछे हो और बारिश आपके सामने हो। जब बारिश होती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें सूरज की रोशनी को अपरिवर्तित कर देती है, जिससे वह स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में टूट जाती है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, और यह सभी दृश्यमान रंगों का मिश्रण भी है। इसलिए जब इसे बारिश की बूंदों के माध्यम से फैलाया जाता है तो हमें ये रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में प्रक्षेपित रंग दृश्यमान स्पेक्ट्रम से होते हैं, और ये ऐसे रंग होते हैं जिनकी अपनी तरंग दैर्ध्य होती है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में गुलाबी मौजूद नहीं है, क्योंकि यह रंगों का मिश्रण है, इसकी अपनी तरंग दैर्ध्य नहीं होती है। क्या गुलाबी एक वास्तविक रंग है? इस बात को लेकर कई तर्क है कि क्या गुलाबी असली रंग है या बना हुआ है। रेडियो शो रेडियो लैब के रॉबर्ट क्रुलविच ने एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कैसे गुलाबी रंग इंसानों द्वारा बनाया गया है। वह बताते हैं कि लाल और बैंगनी रंग को मिलाने वाली तरंग दैर्ध्य का एक बैंड मौजूद नहीं है, जिससे रंग गुलाबी हमारी कल्पना का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इसकी अपनी तरंग दैर्ध्य नहीं है, इसलिए यह आधिकारिक रंग नहीं है। हालांकि गुलाबी रंग के कई वैज्ञानिकों और प्रेमियों ने इस अधिग्रहण का विरोध किया गया है, यह कहते हुए कि गुलाबी हर एक दूसरे रंग की तरह हमारे दिमाग का निर्माण है। जीव विज्ञानी टिमोथी एच गोल्डस्मिथ ने समझाया कि हमारे दिमाग सभी रंगों का निर्माण करता है, तो कौन कहता है कि आधिकारिक रंग क्या है या नहीं? रंग वास्तव में प्रकाश या वस्तुओं की संपत्ति नहीं है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, यह एक सनसनी है जो ब्रेन के भीतर पैदा होती है। इंद्रधनुष में और कौन से रंग नहीं होते हैं? साथ ही इंद्रधनुष में गुलाबी न होने के कारण भूरा, काला और सफेद भी मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूरा हरे और लाल को मिलाकर बनाया जाता है, जो गुलाबी के समान वे दो रंग कभी स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इंद्रधनुष में भूरा कभी नहीं देखा जाएगा। हम इंद्रधनुष में सफेद नहीं देखते, क्योंकि सूरज सफेद रोशनी है और यह सफेद रोशनी है जो रंगों में बदल रही है। काला नहीं देखा जाता है, क्योंकि काला रंग अन्य सभी रंगों की अनुपस्थिति है। इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग हैं जो हम नहीं देख सकते।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वहां नहीं होते हैं। इंद्रधनुष के भीतर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट से उत्पन्न रंग होते हैं, जिन्हें मानव आंख स्वाभाविक रूप से नहीं देख सकती है। निष्कर्ष के तौर पर, हालांकि हमारी आंखें अलग अलग रंगों को अलग अलग तरह से उठाएगी, लेकिन हम सभी इंद्रधनुष में एक ही रंग देखेंगे। हम गुलाबी नहीं देखते हैं, क्योंकि इसकी अपनी तरंग दैत्य नहीं होती है, और यह लाल और बैंगनी तरंग दैत्य का मिश्रण होता है। यदि लाल और बैंगनी इंद्रधनुष के संपर्क में होते हैं, तो शायद हमें गुलाबी दिखाई देता, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन से ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।